सत श्री अकाल पंजाबी खबरां देखण वाले दर्शकों का स्वागत है। खबरां की शुरुआत तो पहले एक नज़र मार लैने सुर्खियां दे वल। संयुक्त किसान मोर्चे के आगुआ ने दिता अहम बयान, कहा लखीमपुर खीरी किसान कतलेआम की जांच सीधी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी विच होगी। मोदी ने रोम के प्याजा गांधी विखे महात्मा गांधी की मूर्ति से श्रद्धांजलि की भेंट, मोदी ने भारतीय भाईचारे नाल भी की गलबात। हिमाचल के कुल्लू च राफ्ट पलटन नाल वापरिया हादसा, दो महिला सैलानिया की मौत, चार जख्मी। संयुक्त किसान मोर्चे के आगुआ ने अज किसानी धरनिया के 337वें दिन प्रेस बयान जारी करदे कहा कि किसान मोर्चा नोट करता है कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रमुख अधिकारियों के तबादले को प्रभावित कर रही है, भावें कि लखीमपुर खेड़ी किसान कतलेआम की संवेदनशील जांच सिर्फ हौली प्रगति नाल लंबी हो रही है, जिवें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी नोट किया है। किसान मोर्चे के आगुआ ने कहा कि सियासी मुफादा ने यह तबादले शांतमई ढंग नाल प्रदर्शन कर रहे किसानों के इस वैशी कतलेआम की जांच से न्याय की लोड़ नूं होर प्रभावित कर सकते हैं। किसान आगुआ ने कहा कि मोर्चे को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भी इन्होंने तबादलों की जांच करेगी, तो क्यों कीतियां जा रही ने। इस दौरान आशीष मिश्रा हुण तक मिले वीआईपी ट्रीटमेंट दी खबर आउंदियां रहिंदियां ने। एसकेएम एक बार फिर मांग करता है कि इस मामले में न्याय प्राप्त करने लिए पूरी जांच की सीधी सुप्रीम कोर्ट द्वारा निगरानी की जानी चाहिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोम के प्याजा गांधी विखे महात्मा गांधी की मूर्ति से श्रद्धांजलि भेंट की, कहा कि उन्होंने आदर्श विश्व पद्धर से गूंजते हैं। मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि रोम में मैं महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने का मौका मिले, जिन्हों के आदर्श विश्व पद्धर से लखां लोगों को हिम्मत से प्रेरणा देते हैं। बाद में उन्होंने रोम में प्याजा गांधी विखे इकट्ठे हुए भारतीय भाईचारे के साथ गलबात भी की। अमरीका द्वारा लखां डालर मुल दियां 248 पुरातन वस्तां प्राप्त कीतियां गईयां ने, जिस विच 12वीं सदी वेले दा कांसी दा शिव नटराज भी शामिल है। इन्हां पुरातन वस्तां दी कीमत 15 मिलियन अमरीकी डालर दसी गई है। मैनहटन दे जिला अटारनी सीवांस ने दस्सिया कि पिछले एक दहाके विच पांच वख अपराधिक जांचां दौरान बरामद इह कलाकृतियां प्राचीन ते आधुनिक भारत विचाले सभ्याचारक प्रतीक है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बीते दिन ट्विटर नूं निर्देश दिता है कि वह अपने प्लेटफार्म तो हिंदू देवी देवत्यां नाल संबंधित कुछ इतराज योग समगरी नूं हटावे। अदालत ने उम्मीद जताई है कि सोशल मीडिया दिग्गज आम लोगों दी भावनावां दा सम्मान करेगा। चीफ जस्टिस डीएन पटेल ते जस्टिस ज्योति सिंह दी बेंच ने कहा कि ट्विटर चंगा काम कर रहा है ते लोक इस तों खुश ने। कोर्ट ने ट्विटर दे वकील नूं पुछिया कि चीज़ां दूर होण जा रहियां ने जां नहीं, तुहानूं इस नूं हटाउणा चाहीदा है। बेंच ने कहा कि तुहानूं आम जनता दी भावनावां दा सम्मान करना चाहीदा है, क्योंकि तुसीं वड्डे पद्धर ते जनता लई कारोबार कर रहे हो, उन्हां दी भावनावां नूं महत्व दिओ, तुहानूं इस तरह की गल नहीं करनी चाहीदी। बेंच ने कहा कि तुहानूं अजिही सारी समगरी नूं हटा देना चाहिए जिस नाल लोकां दीआं भावनावां नूं ठेस पहुंच रही होवे। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे निरंतर ते निजी यत्नां सदका भारतीय रिजर्व बैंक ने झोने दे चल रहे खरीद सीजन लई पंजाब वास्ते सीसीएल दी म्याद नवंबर 2021 तक वधा दित्ती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कई करोड़ रुपए की नकद कर्जा हद नवंबर 2021 के अखीर तक बढ़ा दी। एक सरकारी बुलारे अनुसार इस नाल अक्तूबर के अखीर तक मंजूर की गई करोड़ों रुपया की सीमा बढ़ के नवंबर 2021 के अखीर तक करोड़ों रुपया तक हो गई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू च वड्डा हादसा वापरे। कुल्लू जिला हैडक्वार्टर तो 6 किलोमीटर दूर बाशिंग कोल ब्यास नदी च एक राफ्ट पलटन नाल दो महिला सैलानिया की मौत हो गई है। राफ्ट सवार चार होर सैलानी बीबियां जख्मी हुई ने। जख्मियों का जिला हस्पताल च इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जानकारी अनुसार कुल्लू मनाली घूमन लिए आई मध्य प्रदेश से मुंबई दी महिला सैलानिया बबेली स्थित राफ्टिंग साइट तो एक राफ्ट विच सवार हुई। दोपहर बाद बाशिंग के शुरडू कोल महिला सैलानिया नाल भरी राफ्ट बेकार
काबू होकर पलट गई। इस दौरान महिलावां ब्यास नदी के वहां विच बह गई। राफ पलटन तो बाद रेस्क्यू दल ने महिलावां नूं पानी चों कढ़िया ते कुल्लू हस्पताल पहुंचाया। रायकोट के बरनाला रोड से थिंक गैस कंपनी के सीएनजी स्टेशन का संसद डॉक्टर अमर सिंह ते डीसी लुधियाना वरिंदर शर्मा वालों उद्घाटन किया गया। इस मौके उन्होंने आख्या कि इस सीएनजी स्टेशन के खुलने नाल रायकोट इलाके के लोगों नूं काफी वड्डी सहूलत प्राप्त होगी, बल्कि सीएनजी गैस की वरतों करन नाल जिथे वातावरण में प्रदूषण घटता है उत्थे ही वाहनों भी वध माइलेज प्राप्त होता है। अज मैं समझदा कि रायकोट वासियों लिए और सारे इलाके लिए बहुत ही खुशी वाला अज दिन है कि अपने हल्के लुधियाने जिले पहला जड़ा पेट्रोल पंप हैगा, पेट्रोल पंप आप कही जाने पर सीएनजी पंप जड़ा हैगा वो पहला इत्थे खुलिया। और मैनू और डीसी साहब नू और सीओ साहब असी किस्मत वाले कि असी इहदा उद्घाटन किया हैगा। और ये क्योंकि उत्थे भी गल हुई सी ये सीएनजी फ्यूचर फ्यूल हैगा, इहदे ते सारी दुनिया ने इहदे ते चलना हैगा। इहदे ते साडे तां जिहड़ी कलोनी च मैं रहिंदा उहने उत्थे गैस शुरू भी हो गई आ ते गड्डियां भी चलनियां ने, टैक्सियां भी चलनियां, कारां भी चलनियां, मोटरसाइकिल भी और कारखाने भी इहदे ते खुलने आ। फ्यूचर फ्यूल हैगा। मैं समझदा थिंक गैस वालियां ने बहुत वड्डा इनिशिएटिव लिया। मैं इन्हां नूं वधाई दिंदा और हल्के दे लोकां नूं भी वधाई दिंदा और डीसी साहब ने जिन्नी दिलचस्पी लैके इह काम कराया डीसी साहब दा भी मैं धन्नवाद करदा कि इन्हां ने हमेशा सारे ज़िले लई और खासकर रायकोट हल्के लई कोई भी प्रोजेक्ट अगर हुंदा उह हमेशा इह पुश करदे आ। डीसी साहब तुहाडा भी बहुत बहुत धन्नवाद। रिश्वतखोरी नूं उदों ही जड़ों पुट्टिया जा सकदा है जदों आम जनता तय दिलों इस नूं पूर्ण रूप विच खत्म करन दी ठान लवे। इन्हां विचारां दा प्रगटावा एसएसपी विजिलेंस बठिंडा जोन डॉक्टर नरेंद्र भार्गव ने भारत दे पहले उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दे जन्म दिहाड़े नूं समर्पित भ्रिष्टाचार रोकू जागरूकता हफ्ते तहत मनाए गए सैमीनार दौरान कीता। जिला रेडक्रॉस के हाल विच भरवें इकट्ठ नूं संबोधन करदिआं डॉक्टर भार्गव ने दस्सिआ कि किसी भी सरकारी रिश्वतखोर कर्मचारी अधिकारी नूं किसी भी कीमत ते बर्दाश्त ते बख्शिआ नहीं जावेगा। सूबे अंदर नशा मुकन का ना नहीं रह रहा, पर नशे की दलदल च फसी नौजवान पीढ़ी जरूर मुकन लग पई है। फिरोजपुर देहाती दे अधीन पैंदे ब्लाक ममदौट के पिंड सानके विखे तीन दिन पहला नशेड़ी नौजवान की मौत तो बाद एक होर नशे के आदि नौजवान की मौत हो गई है। नशे की दलदल च फसे 17 साल नौजवान गगनदीप पुत्र सोनू की मौत हो गई है, जो पिछले दिन 3-4 साल तो नशे करन का आदि सी। नशा छुड़ाने लई उसनू कुछ दिन पहला नशा छुड़ाओ केंद्र विच भर्ती भी करवाया गया सी, पर दो दिन बाद ही तबीयत नू विगड़दिआं वेख के घर ले आए सन। गरीब परिवार होने करके वड्डा इलाज कराउण तो असमर्थ सी, जिस नाल नौजवान दी मौत हो गई है। डेरा कार सेवा संत बाबा भूरी वाले जी निर्मले तपोबन तरन तारण रोड विखे संत बाबा जैमल सिंह जी भूरी वाले, संत बाबा गुरदयाल सिंह जी भूरी वाले ते बाबा नामदान सिंह जी भूरी वाले दी याद विच सालाना बरसी समागम करवाया गया। इस मौके प्रमुख धार्मिक राजसी ते समाजिक शख्सियतां समेत वड्डी गिनती विच संगतां वल्लों शमूलियत कीती गई। इस समय खास तौर ते पुज्जे श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने संबोधन करदिआं कहा कि कार सेवा दी मर्यादा नूं भूरी वाले महापुरशां ने बादस्तूर जारी रख्या। उन्होंने कहा कि बाबा जैमल सिंह जी वालों आरंभी कार सेवा की लहर एक विशाल संस्था के रूप में स्थापित हो चुकी है, जिसनों संत बाबा कश्मीर सिंह जी भूरी वाले ते बाबा सुखविंदर सिंह वालों सुहिरदता नाल अगे तोरदे गुरुधामा की कार सेवा के नाल नाल वातावरण की संभाल लई भी विशाल कार्ज किए जा रहे हैं। इस मौके सचखंड श्री हरिमंदर साहब के मुख ग्रंथी सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह, तखत श्री केशकर साहब के जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह, गुरुद्वारा बंगला साहब के हैड ग्रंथी ज्ञानी रणजीत सिंह, गुरुद्वारा रकाबगंज साहब के ग्रंथी बाबा भुपिंदर सिंह पटियाला ने भी शमूलियत की।
फिलौर के एक निजी होटल में अंबेडकर फोर्स पंजाब के प्रधान रणजीत पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी सी, जिस विच भाजपा के लोकल लीडर भी पहुंचे हुए सन। गुराया थाने के SHO भारी पुलिस फोर्स समेत पहुंचे, जिस तो पता लगता है कि रणजीत पवार भाजपा में शामिल हो रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस किसानों वालों विरोध किए जाने का पता लग्या, यह कह के रद्द की गई कि साडे लीडर नहीं आए। जो इस संबंधी जिला प्रधान भाजपा के अमरजीत सिंह अमरी नाल संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि रणजीत पवार जलंधर प्रेस क्लब भाजपा में शामिल हो रहे हैं। रायकोट स्थित SBI की ब्रांच विच एक लोन मेला चीफ मैनेजर विकास चुरसिया की देखरेख हेठ लगाया गया, जिस विच अश्विनी रतन चीफ मैनेजर FIRBO2 लुधियाना ने मुख मेहमान वजों शिरकत की। इस मौके उन्होंने आए हुए खपतकारा नूं सरकार ते SBI वालों चलाई जा रही कर्जा स्कीमां बारे विस्थार नाल दस्सिया। उन्होंने आखिया कि गरीब ते बेरोजगारा नूं पैरां ते खड़ा करने लई रोजगार मुहैया कराने संबंधी सरकार वालों विशेष लोन स्कीमां चलाई जा रही ने। उत्थे बैंक वालों सस्ती ते सौखी बीमा स्कीम भी चलाई जा रही है, जिन्हों का लाभ चक्या जा रहा है। इस नाल ही खबरों का सिलसिला इतने समाप्त होंदा है। नवीं ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे, तद तक लई इजाजत दिओ, धन्यवाद।